नवरात्रि में जैसे बहुत सारे लोग अष्टमी पूजन करते हैं, तो जो अष्टमी पूजन करते हैं क्या उनको नवमी पूजन करना अनिवार्य है या अष्टमी पूजन होने के बाद उनका कार्य पूरा हो गया? मैंने सही एक श्लोक है जो दुर्गा सप्तशती में है, प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरी च अष्टकं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्राह्मणेव महात्मनः। जब हम अष्टमी का पूजन करते हैं तो वो पूजन महागौरी माँ तक मान्य होता है, लेकिन भगवती सिद्धदात्री का पूजन रह जाता है। इसीलिए अष्टमी तक पूजन करने के बाद नवमी में दीप जलाना, आरती करना सांझ के समय नहीं पर कम से कम भोर के समय का अनिवार्य होता है। अगर हम भोर के समय का जगदम्बा पूजन नहीं कर रहे हैं तो हमारे नवरात्रि अधूरे माने जाते हैं, हमारे नवरात्रि उस दौरान अधूरे माने जाते हैं। ठीक है, माँ आप एक प्रश्न पूछना चाहते हैं? हाँ दीदी माँ, जैसे कि छोटे लड्डू गोपाल हैं, उसके स्थान पर क्या बड़े लड्डू गोपाल को स्थापित किया जा सकता है? और यदि किया जा सकता है तो उस छोटे का क्या करें जिसकी इतने दिनों तक तो पूजा की है, क्योंकि दोनों तो रखना संभवतः शास्त्रगत है नहीं। वैसे आप मार्गदर्शन करें। एक ही मंदिर में एक ही भगवान के एक से अधिक विग्रह नहीं रखने चाहिए। तो ऐसे में अगर आप विग्रह बदलना चाहते हैं तो वो जो आपके पहले पूजित विग्रह हैं आपको उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे कोई और भक्त हैं जो भगवान की पूजा करना चाहते हैं, आप उनको उनकी पधरामनी कर सकते हैं, या कोई मंदिर है जहाँ पर आप किसी प्रकार का दान देते हैं उस मंदिर में भगवान की पधरामनी कर सकते हैं, या फिर अगर वो किसी प्रकार से खंडित हो गए हैं तो मैया गंगा में भी उनकी पधरामनी की जा सकती है, पर अगर वो खंडित नहीं है तो उनकी पधरामनी गंगा मैया को नहीं करनी चाहिए। या तो किसी मंदिर में जहाँ उनकी पूजा हो जाए वहाँ उनकी पधरामनी करनी चाहिए, या फिर जो कोई अन्य भक्त अपने परिवार में कोई सगे संबंधियों में ऐसे हैं जो ठाकुर सेवा करना चाहते हैं उनके घर उनकी पधरामनी की जा सकती है। ठीक है, समाधान हो गया।